हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो, वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की रिव्यू, और ये है एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मस्क, और ये गुड वाइब्स का है। और मैंने इसे काफी टाइम पहले परचेस किया था गाइस। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसे जो विंटर कराया है विंटर के पहले ही मतलब परचेस किया था, और उसके बाद दो तीन बार मैंने इसे यूज भी किया है, बट उसके बाद विंटर चालू हो गया तो मैंने इसे यूज करना ही बंद कर दिया। बट मुझे लगा कि आज मुझे इसे अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे फेस में थोड़ा सा डर्ट मुझे दिख रहा है, और मैं बिल्कुल भी अच्छे से अपनी स्किन की जो टेक केयर है वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू एंड डेमो वीडियो शेयर कर देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है एंड कितना ज्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिशियल है या नहीं। सो गाइस, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग जानती है मेरा जो रिव्यू होता है बिल्कुल ऑनेस्ट एंड बिल्कुल लाइक मेरा अपना ओपिनियन होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट के साथ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो एक छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें, ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको मिलते रहे, एंड मेरी कोई भी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क, एंड इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, आपको दिख ही रहा होगा। एंड मैंने इसे दो तीन बार यूज किया है, तो इसको थोड़ा सा आपको जो है प्रोडक्ट थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे निकला है तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। एंड इसमें आपको मिलता है वेट है 100 grams ऑफ प्रोडक्ट, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल। सो आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क एंड गुड वाइब्स लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड ये है इसका कैप, एंड थोड़ा सा इस तरीके से क्लोज होती है, थोड़ा सा स्टडी है। इसके बैक साइड में आपको इसके बारे में जो भी बेनिफिट्स है आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो मिलता है 11/19/10/2021। तो आप इसे 2 साल तक इजीली यूज कर सकते हैं, एंड इसमें चारकोल है तो आप चारकोल को अच्छी तरह से जानती है, ये रिवाइव करता है आपकी स्किन को एंड अंदर से ग्लो लाता है एंड प्यूरिफाई करता है अच्छे से, एंड इज विद डीप क्लींजिंग चारकोल, जो कि आप जानते हैं चारकोल कितनी अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, गिव्स रीड ऑफ ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स, डेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स योर स्किन अगेंस्ट हार्मफुल रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपको हाउ टू यूज एंड केयरफुल रहना है किस किस चीज से अप्लाई करने के टाइम पे, वो भी ध्यान रखना चाहिए, आईज के साथ बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट में ना आए। एंड इसे अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन या फिर कुछ भी होता है, देन आप इसे थ्रोली अपने जो वाटर है क्लीन वाटर से वॉश कर ले, एंड इसे अप्लाई करने से पहले एक बार पीएच टेस्ट जरूर कर ले। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे, एंड इसके नीचे आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड इसमें आपको इसकी जो प्राइस है दिखता लिखा हुआ दिख जाएगा 249 rupees, बट आप जानते हैं पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है, तो आपको ये काफी अच्छा ऑफर प्राइस में डेफिनेटली मिलने वाला है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे फेस में आपको थोड़ा सा डर्ट दिख रहा होगा, एंड छोटे छोटे हेयर भी है, एंड उसके कॉर्नर में छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, बट व्हाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स नहीं है। मैं इसे अब अप्लाई कर लूंगी, और इसे मैं अपने हाथ से ही अप्लाई करने वाली हूँ, बट इससे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने चेहरे पे अच्छे से थोड़ा सा स्टीम दे दें, कि आप डायरेक्टली स्टीम देना नहीं चाहते, तो आप इजिली इस तरह की कोई भी टॉवल या फिर कोई भी हैंकी लेकर गर्म पानी में डीप करने के बाद से निचोड़ने के बाद अपने फेस पे इस तरीके से नॉर्मली डीप डैप कर ले, और उसके बाद इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये वाला जो हैंकी अभी भी ड्राई है, तो मैं इसे गर्म पानी में डैप कर लूंगी। गाइस, मैंने इस हैंकी को गर्म पानी में अच्छे से डैप कर लिया है, और ये टवल टाइप की है, तो आप इसी टाइप की जो थिक कपड़ा होता है ना कॉटन का वही ले सकते हैं इस तरीके से स्टीम देने के लिए फेस को, और इससे आपकी फेस के जो पोर्स होते हैं काफी अच्छे से ओपन हो जाएंगे, और जो आपका फेस मतलब जो पील ऑफ मास्क है वो काफी अच्छे से आपकी फेस की जो डार्ट है उसे निकाल सकेगा। तो मैं इसे इस तरीके से अच्छे से डैप कर लूंगी, और अभी भी ये गर्म है, इस तरीके से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जो आप मतलब ले सके, जो आप सह सके अपनी स्किन पे, तो मैं अपनी पूरे फेस पे इस तरीके से इसे डैप कर लूंगी। एंड गाइस, ध्यान रखिए इस तरीके के कोई भी पील ऑफ मास्क या फिर कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपका फेस जो है अच्छे से क्लीन रहना काफी इंपॉर्टेंट है,
तो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी अपने फिंगर की हेल्प से, और इससे अप्लाई करने के टाइम पे थिक लेयर जैसा ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये काफी मतलब जेल काइंड ऑफ है, थोड़ा सा ब्लैक जेली काइंड ऑफ है, तो इसे काफी थिकली अप्लाई करना होगा। तो इससे क्या होगा, आप जब इसे रिमूव करेंगे तो ये काफी अच्छे से आएगा और इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफी अच्छा, एक सोप काइंड, बट मुझे काफी अच्छा लगता है इसका फ्रेग्रेंस। एंड गाइस, ध्यान रखिए कि जब आप आईब्रोज के साइड में अप्लाई करने वाले हो तब अच्छे से ध्यान रख के अप्लाई करो, क्योंकि ये काफी अच्छे से जो हेयर है रिमूव करता है, तो हो सकता है आपके आईब्रोज को भी रिमूव कर देगा ये, तो काफी ध्यान से, जस्ट किडिंग गाइस, काफी अच्छे से ध्यान से लाइक इसे अप्लाई करना आईब्रोज के साइड पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये जो हेयर है उससे रिमूव कर देता है, तो अच्छे से ध्यान रख के अप्लाई करना ही ठीक है, और थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है अप्लाई करने के बाद। तो गाइस मैं लौटती हूँ 20 मिनट्स के बाद। सो गाइस, मैं यहाँ पे 15 टू 20 मिनट्स के बाद लौट आई हूँ। तो मेरा फेस अच्छे से ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने के बाद बात नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, और इस साइड से नहीं, ऑपोजिट साइड से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ पील ऑफ मास्क को रिमूव करना चाहिए। इससे आपके जो हेयर होंगे वो अच्छे से रिमूव होगा, और इससे थोड़ा सा दर्द होता है, बट ऐसा भी दर्द नहीं है कि आप सह नहीं पाओ, जितना आप सह पाओ उतना ही दर्द होता है, और काफ़ी अच्छे से हेयर को भी रिमूव करता है। तो आप इसे डेफिनेटली घर में एक बार जरूर ट्राई करें। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी पील ऑफ मास्क को रिमूव कर लिया है, बस थोड़ा सा इस तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था ये वाला पोर्शन, तो मैं इसे इसके बाद प्लेन वाटर से इस तरीके से वॉश कर लूंगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया, एंड काफी अच्छे से ये डीपली क्लीन दिख रहा है, क्योंकि इसमें चारकोल है, ये तो काफी अच्छे से आपकी स्किन को ये डीपली क्लीन करता है। एंड अगर आप ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की बात करें, तो ये काफी अच्छे से आपकी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी अच्छे से रिमूव करेगा, कि मेरे स्किन में ज्यादा ब्लैक हेड्स है या फिर व्हाइट हेड्स नहीं है, बट अगर होता तो आई एम श्योर, डैम श्योर कि ये आप काफी अच्छे से निकाल देता, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से जो छोटे छोटे से स्पेशल हेयर है उससे रिमूव किया है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं, देन डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के लिए मेरा बिग थम्स अप है, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो एंड बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें चारकोल है, तो काफी अच्छे से काम भी करता है। अगर आपको लगा कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टिकटॉक पे भी, इन सारे सोशल मीडिया ऐप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।